हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू मॉम किड्स केयर। कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है लॉकडाउन? ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो भी एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू मॉम्स के बारे में कि न्यू मॉम्स को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सारी बातों को हम लोग जानेंगे। और ये सारी जो बातें हैं मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही आपको बता रही हूँ, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया इताशा को लेकर। मुझे जब इताशा हुई थी उस टाइम मुझे डॉक्टर ने क्या बोला था और मेरे जो बड़े हैं घर के उन लोगों ने मुझे क्या क्या एडवाइस दिया था, वो सारी बातें मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए मॉम किड्स केयर को और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जब पहली बार हम अपने बेबी को देखते हैं तो उसके बाद हम अपनी सारी तकलीफ़ें, सारे गम भूल जाते हैं, जो हमने 9 मंथ तक जो भी प्रॉब्लम्स को झेला है या फिर जो डिलीवरी के टाइम में जो पेन को सहा है, वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं जब अपने बेबी को अपने हाथों में लेते हैं या फिर उसको पहली बार देखते हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट होती है स्लीपलेस नाइट्स, बहुत सारी चीज़ें हम सेक्रीफाइस करते हैं अपनी बेबी को लेकर, इनफैक्ट अपने हेल्थ को भी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपना टेक केयर नहीं करोगे तो आप अपने न्यू बॉर्न बेबी की केयर कैसे करोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना भी केयर करो, आपके बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन ज़रूरत है वो आपके बॉडी को अगर नहीं मिलती है तो ये आप भी सफ़र करोगे और आपका बेबी भी सफ़र करेगा। बेबी होने के बाद में एक मदर को नॉर्मली 1800 यानी कि 1800 टू 2000 कैलोरीज पर डे की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका बेबी आपसे ही न्यूट्रिशन ले रहा है, आपके ही पर डिपेंडेंट है। तो आपको अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो सी सेक्शन मॉम हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी। हमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, ये सारी चीज़ों का बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा जिससे कि हम भी हेल्दी रहें और हमारा बेबी भी। सबसे फर्स्ट है आयरन। आयरन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बेबी होता है तो हमारा ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इससे क्या होता है कि एनीमिया होने का खतरा हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा वीक, थकान से महसूस करोगे अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो, खून की कमी हो। तो आयरन के लिए डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट देते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, उसके बाद से ही डॉक्टर आपको आयरन के सप्लीमेंट्स, आयरन की दवाइयां देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद भी जब आपकी बेबी हो जाता है उसके बाद भी ये आयरन के सप्लीमेंट्स चलती रहती है। आयरन की सप्लीमेंट तो आप ले ही रहे हो, साथ में आप खाने में जूर ऐड कर सकते हो, अंजीर ऐड कर सकते हो, स्पिनच यानी कि पालक अपने खाने में ऐड करो तो बहुत हद तक आप जो ये टायर्डनेस है, ये वीकनेस है, आप फील नहीं करोगे। प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन में आप क्या ले सकते हो, सबसे बड़ी चीज़ है मिल्क की कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो। लोग ऐसा मानते हैं कि जो सी सेक्शन वाली मॉम्स होती हैं उन्हें मिल्क नहीं लेना चाहिए, उससे जो स्टिचेस है वो पक जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि मेरा सी सेक्शन हुआ था और उसके बाद जब मैं स्टिचेस दिखाने के लिए गई थी डॉक्टर के पास तो मैंने डॉक्टर से ये पूछा था कि क्या मैं मिल्क ले सकती हूँ, तो डॉक्टर ने बोला कि क्यों नहीं आप मिल्क ले सकते हो। तो मैंने उनसे बात की कि ऐसा बोला जाता है कि स्टिचेस पक जाते हैं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल गलत है, ज़रूर मिल्क लें। तो डॉक्टर की जो एडवाइस है मैंने उसको फॉलो किया था। और आप लोग भी जो सी सेक्शन वाले भी मॉम्स हैं वो भी आप लोग भी मिल्क ले सकते हो। मिल्क के जो डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आप पनीर यूज़ कर सकते हो अपने खाने में, दही, दही तो बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है डाइजेशन में, आप दही खाओ वो भी बहुत अच्छा रहता है आपके हेल्थ के लिए। हम कुछ और भी खाने की चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे कि आलमंड्स यानी कि बादाम, वो आप नाइट में सोक करके रख लो 4 या 5 बादाम को और उसको मॉर्निंग में आप खाओ। देन आप सूप पी सकते हो डेली, रेगुलर वे में आप वेजिटेबल सूप पीजिए, फ्रूट्स खाइए डेली, रेगुलर वे में फ्रूट्स खाइए। जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही हेल्प करते हैं आपके बॉडी को स्ट्रेंथ देने में, आपके बॉडी को न्यूट्रिशन देने में। तो आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, दाल का पानी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी को। साथ ही साथ आप अपने खाने में गार्लिक यानी कि लहसुन यूज़ कर सकते हैं।
वैसे भी गार्लिक हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, तो अगर आप गार्लिक अपने खाने में यूज़ कर रहे हो तो आपकी इम्यून को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। नेक्स्ट है बॉटल गार्ड, यानी कि कद्दू, लौकी जिसको बोलते हैं, या दूधी, वो भी बहुत अच्छा है। जैसे अभी की गर्मी का सीज़न है तो उसमें आप अगर ये चीज़ खाते हो तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होता है। देन उसके बाद इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, आयरन है, और आप अपने खाने में कद्दू का यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 95% वाटर रहता है, पानी रहता है। अभी गर्मियों के मौसम में पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें कि एक लेडी ने मुझे पूछा था कि मेरा डिलीवरी हुआ है तो मुझे बोला जा रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा पानी मत पियो जिससे तुम्हारा पेट बड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, लिक्विड का भी इंटेक करना बहुत ज़रूरी है, जबकि क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो डिहाइड्रेशन होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और आपसे ही आपके बेबी को सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो आपको वाटर या लिक्विड जो भी फॉर्म है वो ज़रूर लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात, डिप्रेशन वो बिल्कुल ना ले, डिप्रेशन में ना चले जाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यू मॉम्स हैं जो कि डिलीवरी के बाद ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है उसमें चल जाती है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और क्या नहीं खाएं ये तो सबको पता है, ऑब्वियसली अनहेल्दी चीज़ खाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारी ऐसी भी मॉम्स हैं जो कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं दे रही हैं, फार्मूला मिल्क दे रही हैं, तो वो बोलती हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो खा ही सकते हैं क्योंकि हमारा बेबी तो फीड नहीं कर रहा है। पर ऐसा नहीं है, आपको भी ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। अनहेल्दी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें, एटलीस्ट 6 महीने तक तो अवॉइड करें। पैकेट्स वाली चीज़ें या फिर आप जो बाहर से टेट्रा पैक जूस होते हैं वो सारी चीज़ों को अवॉइड करें। आप अल्कोहल को अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और खाने का जो बात है तो आप खाना खाएं लेकिन बहुत ज़्यादा एक साथ ना खाएं, छोटे छोटे क्वांटिटी में आप उसको 7 से 8 बार में पूरे दिन में खाएं। ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत ज़्यादा खा लिया, उससे क्या होगा, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपका बॉडी बहुत वीक रहता है। तो आप जो भी खा रहे हो वो छोटे छोटे अमाउंट्स में खाओ तो आप बिल्कुल फिट रहोगे। तो इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो एंड करती हूँ, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा। और भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो या फिर आप ऐसे कोई टॉपिक के ऊपर चाहती हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में जाके मुझसे बोल सकती हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो न्यू मॉम्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, बाय।